प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाववाचक संज्ञा। इससे पहले हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप आपके तमाम विषय के वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, जानते हैं भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से देखिए। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इसे उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। संत सबके प्रति दया और प्रेम रखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, दया और प्रेम यहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं। उसी तरह से गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उदाहरण क्रमांक 3, चंदन और हीरा में अच्छी मित्रता थी। उदाहरण क्रमांक 4, हमें लालच नहीं करना चाहिए। उदाहरण क्रमांक 5, मेरा बचपन इसी शहर में बीता। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए इन वाक्यों में रेखांकित शब्द दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा, मित्रता, लालच तथा बचपन संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं किसी न किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराती है। हम इन्हें देख या छू नहीं सकते, इनका केवल अनुभव कर सकते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। प्रिय छात्रों, एक बार फिर से देखिए, हम देख रहे हैं भाववाचक संज्ञा, यानी जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान में रखिए, यहाँ पर गुण और भाव को इम्पोर्टेंट दी गई है। तो सबसे पहले संत सबके प्रति दया और प्रेम रखते हैं, यहाँ पर देखिए दया और प्रेम। उसी तरह से गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, यहाँ पर भाववाचक संज्ञाएं सत्य और अहिंसा। उसी तरह से चंदन और हीरा में अच्छी मित्रता थी, तो यहाँ पर मित्रता, दोस्ती, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए भाववाचक संज्ञा है लालच। उसी तरह से मेरा बचपन इसी शहर में बीता, तो बचपन यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर प्यारे बच्चों, एक बार फिर से ध्यान में रखिए, कुछ भाववाचक संज्ञाएं जैसे आनंद, सुख, दुख, हंसी, खुशी, सुंदरता, चतुराई, आवाज, मिठास, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी आदि। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं। इस वीडियो के तमाम अहम बातों का आपको लिखना है, नोट डाउन करना है और उसे याद भी करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप तमाम ग्रामर के वीडियोस देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इस बार हमने पढ़े भाववाचक संज्ञा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से हम